अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपके लिए लेकर आया हूँ कि जिससे आपके बर्ड्स को कभी एग बाइंडिंग नहीं होगी, और उसके अंदर मतलब ये कि उसको विटामिन ई की सोर्स पूरी मिल जाएगी, ठीक है, और मतलब अंडे का एम्ब्रियो भी अच्छा बनता है उससे, ठीक है ना। तो ये मैं चीज़ लेकर आया हूँ। वैसे तो अमूमन लोग विटामिन ई के कैप्सूल लेते हैं, लेकिन मैं जो है ना अपने पास ज़्यादातर ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। जैतून का जो तेल होता है हमारा, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप डब्बे पर मत जाइएगा, ठीक है ना। डब्बा वैसे तो ऑलिव ऑयल का ही है, लेकिन इसके अंदर जो ऑयल है वो जैतून का है प्योर, ठीक है। तो ये मैं लेकर आया था निकलवा के खुला, जो कि अक्सर मिलता है कोलों की दुकान पर, उनसे मैं लेकर आया था जैतून का तेल, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इससे एक बैंडिंग वगैरह भी नहीं होगी आपके बर्ड्स को, कि अगर जो आप इस ऑयल को इस दाने में अपने मिलाकर देंगे अपने बर्ड्स को। वैसे तो ये सीड्स ऑयली हैं, लेकिन ये जो ऑयल काम करता है ना, ये बेहतरीन काम करता है आपकी बर्ड्स की हड्डियों के लिए, उनके स्ट्रक्चर के लिए, और उनके स्टाम्स के लिए, और उनकी सेहत के लिए, ठीक है ना, और बच्चे जो अंडे में जो एम्ब्रियो बनता है उसके लिए। तो विटामिन ई का बेहतरीन जो है ना रोल होता है, ठीक है। तो मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। अमूमन लोग जो है ना वो अपना कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं विटामिन ई के, लेकिन मैं जैतून इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे ये सही समझ में आता है, और ये है मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी मिकदार में कितनी मिलाता हूँ। ये इतना आप देख रहे हैं दाना कितना है मेरे पास, तो दाने के हिसाब से मैं इसकी मिकदार ले लेता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ मिला के। अच्छा, मैं ज़्यादातर ये अपने उन बर्ड्स को ज़्यादातर देता हूँ कि जो हमारे ब्रीड करने वाले हों, या फिर जो है ना बच्चों से फारिग होकर वापस ब्रीड पर आने वाले हों, ठीक है। तो ये हम इसको इतना मिला देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा अपना रेशो है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें हर्ज नहीं है, विटामिन ई का कैप्सूल भी अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, विटामिन ई होता है उसमें खासकर, लेकिन ये एक अपनी जगह पर होता है, वो अपनी जगह पर होता है, ठीक है। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, ताकि ये हर दाने के ऊपर कवर अप हो जाए इसका, और जब मादी इसको दाने को जब खाए तो उसका ऑयल भी इसके अंदर जब जाएगा, और वो जब बच्चे को भी इस ऑयल को पहुंचाती है, मतलब ये कि जब एम्ब्रियो में जब ये ऑयल के जाता है तो उससे एम्ब्रियो एक मजबूत बनता है, ठीक है ना। और जब मैटिंग करता है मेल तो उसके लिए भी बेहतरीन होता है ये, ताकि उसकी मैटिंग में जो अंडे का एम्ब्रियो बनता है वो बिल्कुल प्योर ज़बरदस्त बनता है, ठीक है, मजबूत बनता है, कहने का मतलब ये है सारा। तो ये इस तरीके से आपने इसको मिला लेना है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, क्योंकि ये गर्म होता है इसलिए, ठीक है ना। सर्दियों में खास करके ब्रीडिंग सीज़न, सर्दियाँ जब हों, ब्रीडिंग सीज़न ऐसा नहीं कि गर्मियाँ हैं तो आप यही दे रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि ब्रीडिंग सीज़न में जब सर्दियाँ हों तो सर्दियों के अंदर आपने इसको देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कि ये आप अपने बर्ड्स को दिया करें, ख़ास करके उनको जो ब्रीड पर आने वाले हों, ठीक है, यानी कि ब्रीड के लिए तैयार हो गए हैं, फर्स्ट ब्रीड वाले, जब वो ब्रीड के लिए यानी कि 12 मंथ की एज हो गई हो उनकी, ठीक है, उनको, या फिर अपने ब्रीडर पियर को जो आपके ब्रीड करने वाले हों, या ब्रीड से फारिग होने के बाद फिर उनको दिया करें, ताकि वो बच्चे वगैरह पालने के बाद फिर उनको ही दे दिया करें। हाँ, आप उसमें भी दे सकते हैं जब उनके पास बच्चे हों, जब भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार आप कम कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल लाइट सी मिकदार रख दें, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी, तो उसमें भी ये कि बेनिफिट होगा आपके जो चिक्स होगा बर्ड्स का, उसको जब ये प्रोवाइड होगा तो उसमें भी जो है ना एक अच्छी हेल्थ होगी उसकी, अच्छी नशोनुमा होगी, ठीक है। और मैंने ये भी देखा है ज़्यादातर कि बर्ड्स को अगर मैं जैसे कि नॉर्मल दाना देता हूँ, और अगर मैं जैसे इस टाइप का अगर दाना देता हूँ ना, ये गीला टाइप का बना के तेल वगैरह लगा के, तो बर्ड्स इस दाने को भी ज़्यादा खाता है माशाल्लाह से ना। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा बर्ड्स हेल्दी रहे, और वो दाना भी ज़्यादा खाए तो माशाल्लाह से वो ब्रीड भी अच्छी करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अपने बर्ड्स को मैं जो देता हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं। देखें, ये हमारी पॉट है, और इस पॉट में मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा बर्ड्स जो है ये तकरीबन इसको 2 दिन में इसको कर लेगा ख़त्म, तो 2 दिन बाद हम फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको साफ़ वगैरह करेंगे, फिर इसको नया दाना बना कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक हिसाब किताब है, तो आप इस हिसाब से अगर चलना चाहते हैं तो चलें, नहीं तो आप अपने हिसाब से जैसे विटामिन ई का कैप्सूल होता है वो भी आपने इस तरीके से मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो इजाज़त दीजिए हमारे ब्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम।